दिन सो योग के सफर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की योग क्रिया शुरू करें। सबसे पहले आराम से खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों के बीच में अपने कंधों से ज्यादा दूरी बनाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को अपनी कमर पर लगाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें। इसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और अपने पैर के अंगूठों को इस तरह से पकड़ेंगे। अब जिस तरह से हम मलासन में बैठते हैं, इस तरह से आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाएंगे। इस क्रिया को आपको कम से कम 2 मिनट जरूर दोहराना है। यह क्रिया हमारे हिप्स के लिए, हमारे पैरों के लिए और लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और ये मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, साथ ही पीरियड से संबंधित समस्याओं में भी आपको लाभ देती है। अब की बार जी फ्रूट्स में कुछ नई वैरायटी आई है। ये देखो क्या है, ये आलू बुखारा। वाह, इनका सीजन आ रहा है। तो ननद गई थी, जीजा जी गए थे, मग भाई कुछ नए फ्रूट लेके आना अब की बार। वाह, मेरे को बहुत टेस्ट पसंद है ये, और टेस्टी भी लग रहे हैं, और ना हेल्दी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा विटामिन सी है इनके अंदर, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अभी सीजन है और आपके आसपास मिलते हैं तो खाओ, खूब दबा के खाओ। बहुत हेल्दी फ्रूट है ये। एप्पल का अभी सीजन नहीं है जी, बट आजकल ऐसा हो गया कि हर सीजन में मिलता है। अभी बच्चों को देना पड़ता है, क्या करें, टिफिन वगैरह में या वैसे। तो एप्पल ऐसा फ्रूट होता है जो कई दिन चल जाता है, इसलिए फिर एप्पल रखना पड़ता है। बनाना फ्रूट वैसे तो अच्छा है, ये तो आता ही रहता है सीजन भर, इसका तो सीजन जाता नहीं है और ज़्यादा दिन का स्टोर भी नहीं होता है, बट ये फिर जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा दिन का स्टोर नहीं कर सकते। अभी फिर बार बार जाना पड़ता है, तो इसलिए सोचते हैं कुछ एक ऐसा फ्रूट रखें जो थोड़े दिन स्टोर हो सके, सप्ताह 10 दिन चल जाए, तो इसलिए फिर एप्पल लाना पड़ता है। एप्पल लेके आते हो तो ये चीज़ देखा करो, एक तो थोड़ा सा वैक्स वगैरह का रहता है वो ना हो, और ये नोटिस किया करो इसका जो नक्कू रहता है ना, ये मतलब ग्रीन है तो वो उतना ही फ्रेश है। कई क्या होते हैं, मतलब दिखने में अच्छे होंगे बट ये ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन, ये वाला इसका जहाँ पे लगता है पेड़ पे, तो मतलब जितना ब्राउन है उतना उसको पेड़ से तोड़े हुए ज़्यादा दिन हो गए हैं, और जितने ज़्यादा दिन हो गए उतना उसको स्टोर करने के लिए उस पर केमिकल लगाया है। हाँ, ये थोड़ा बासी है और ये थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है, तो इससे थोड़ा सा ना पता क्या करो जब लेते हो कोई भी चीज़। ये भी थोड़ा ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिन के तो नहीं है मतलब, पर ठीक है, ज़्यादा वैसे नहीं है, अच्छे एप्पल हैं। तो ये आए जी आज फ्रूट, तो इनको देख के तो खाने का मन कर गया। तो सबसे पहले तो इनको धो के रखना है, बनाना धुलेंगे नहीं, ये दोनों चीज़ें धुलेंगे, ये मुश्किल काम होता है। ये दोनों नहा चुकी हैं जी, दोनों बहनें, और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है लगभग 1:30 बजे। राम राम जी, कैसे आप सभी, हम पर जी दया, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद, एकदम बढ़िया। हाल तो बस ऐसा ही है कि नहाना धोना नहीं हुआ है, आज थोड़ा सा लेट लगी, छुट्टी वुट्टी तो नहीं थी, जग तो टाइम से गई थी, बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड की नहीं थी, उनको तो भेजना था ऑफिस पर, थोड़ा सा योगा की वीडियो बनानी थी, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। एक तो अपने आप ऐसे ही करना हो तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना होता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंगल ठीक है, सही आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, सही से मैं आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं अपनी तरफ से अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। तो अभी वही है, झाड़ू लग गई, बाकी सब काम हो गया, जब भी फ्रूट आ गए तो इनको और धो देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा गीला वीला हो जाएगा, इनको धो के रख देती हूँ, और पोछा लगाने का काम है, और कुछ खाने पीने का वो सब देखेंगे, और देखते हैं आज क्या होता है। टाइम हो गया जी 5:45, और फ्रूट्स पानी में भिगोए थे मैंने, नमक के पानी में, कि कुछ वैसे बैक्टीरिया हो बाहर, अभी बारिश का मौसम है ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी से निकल जाएंगे, अच्छे से धो के रख दिया है, अभी सूखेंगे तो कई देर में। और अभी किचन का भी काम ख़त्म हो गया है, मशीन चलने लग रही है, कपड़े सुखाने हैं, योशी इधर पढ़ाई कर रही है, कपड़े पड़े हैं, फोल्ड करती हूँ इनको, और फिर आई लगी योशी कपड़े फोल्ड करके, फिर कुछ टाइम रहेगा फिर कुछ सिलाई का देखती हूँ, सूट कंप्लीट नहीं हुआ उस दिन का, आधा ही पड़ा है, तो ये फोल्ड करते हैं कपड़े, बहुत सारे। टाइम हो गया जी 7:45, और आज डिनर थोड़ा जल्दी बना लिया है, आज खाने में है खीर और पूड़े, पूड़े खीर बनाए हैं आज खाने में। देखो अभी ये पहला है, बनाना शुरू किया, खीर बन चुकी है, बंद कर दिए मैंने,
सोचा आज थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लेते हैं। और नीचे जाने का तो मैं देखूंगी, बच्चा तो जाएगा खेलने, योशी गई है कराटे क्लास में, और मैं देखूंगी ननद का फोन आएगा तो मैं भी जाऊंगी फिर थोड़ी सी देर बाद में नीचे। हस्बैंड बोले जल्दी डिनर कर लेते हैं, मैं चलो बना लेती हूँ, तो हट जा भाई। तो बस अभी बनाते हैं डिनर, फिर देखते हैं बाहर जाऊंगी तो।